लवलीज़, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया है, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय ऑनेस्ट रिव्यू। एंड ये मेरा ट्राई ऑन भी होने वाला है इस वीडियो में। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ बेस्ट फेस पेंटिंग पैलेट, और ये वीडियो ऑल द फेस पेंटर आउट देयर उनके लिए है। और अगर आप ढूंढ रहे हो अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छा फेस पेंटिंग पैलेट, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। सो विदाउट मच फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइस, आप सभी को पता है जैसे कि फेस आर्ट एंड फेस पेंटिंग करना आजकल एक ट्रेंड बन चुका है। आप इंस्टाग्राम में देख सकते हो बहुत ही अच्छे अच्छे टैलेंटेड जो भी आर्टिस्ट अपने फेस पे आर्ट करते हैं, एंड मैंने भी किया था। एंड जब मैं फर्स्ट बार मैंने अपने फेस में पेंट किया, तो मैंने यूज़ किया था फैब्रिक कलर्स। और मैं नहीं बोलूँगी कि आप वो भी ट्राई करो। और फेस पेंट के लिए भी एक अलग सा पैलेट आता है, मुझे नहीं पता था। जब मैंने इंस्टाग्राम में देखा बहुत सारे पैलेट्स अवेलेबल हैं और उनके हाई रेंज है, जैसे कि पैक का, क्राइलॉन का बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। बहुत सारे ऐसे पैलेट होते हैं फेस के लिए, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव है जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी मैं ये पैलेट शेयर कर दूँ, क्योंकि अगर आप भी मेरे जैसे यू नो फेस आर्ट ऑब्सेशन हो गया है आपको, क्योंकि आजकल मुझे बहुत ही ज़्यादा आई एम ऑब्सेस्ड विद फेस आर्ट, फेस पेंटिंग। तो मैंने फाइनली सोचा कि अगर मैं इस फेस पेंट को आगे बढ़ाऊँ तो मुझे आई शुड ट्राई सम फेस पेंटिंग पैलेट। तो तो मैंने देखा, एक इंस्टाग्राम स्टोर से मैंने परचेस किया है जिसका नाम है मेकअप एंड गर्ल्स। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बहुत ही सेफली मेरा फेस पैलेट, मुझे 1 वीक के अंदर मेरा फेस पैलेट मुझे रिसीव हो गया। और इसमें कोड था गाइस, और कोड जहाँ होता है मैं वहीं परचेस करती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में पेमेंट करने के बाद अगर आपका प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ तो आपका पैसा भी गया एंड सब कुछ गया। तो इसलिए जहाँ मुझे कोड दिख जाता है कि हाँ यहाँ पे मेंशन किया गया है, यहाँ पे कोड अवेलेबल है, मैं वहीं परचेस करती हूँ। एंड मैंने कोड पे ट्राई किया, एंड इसका जो प्राइस है वो 1700 था, प्लस उनका शिपिंग चार्जेस 150 होता है, तो आपका 1850 का पड़ गया। तो दिस इज़ क्वाइट अफोर्डेबल, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ उतना, बट 5000 इज़ नॉट माई थिंग, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। सो ये बहुत ही अफोर्डेबल है, इसमें आपको सारे कलर्स मिल जाते हैं। लेट मी शो यू द पैलेट। सो गाइस, दिस इज़ द पैलेट, एंड ये अंधेरा यू कैन बी का पैलेट है। यू कैन बी का तो आप जानती होगी, इंस्टाग्राम में आप सर्च करोगे तो उनके बहुत सारे अच्छे अच्छे पैलेट्स, आई शेडो पैलेट्स एंड प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। एंड उन्होंने अपना फेस पेंटिंग जो पैलेट उन्होंने लॉन्च किया है, आई एम रियली हैप्पी, और बहुत ही अफोर्डेबल है। इसमें सारे आपको कलर्स मिल जाते हैं, तो ये आपको इस तरीके का पैकेजिंग मिल जाता है। पीछे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिया गया है यहाँ पे, एंड द गुड थिंग इज़ अबाउट दिस प्रोडक्ट इज़ ये क्रुएल्टी फ्री है, बहुत ही अच्छा है। एंड इसका जो एक्सपायरी डेट है 2023 तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे सारे कलर्स दिए गए हैं, एकदम गॉथिक टाइप का जो यहाँ पे लिखा गया है, बहुत ही अच्छा है। एंड लेट मी ओपन इट फॉर यू गाइज। तो गाइज, मैंने आज ही रिसीव किया, तो मुझे लगा कि मैं आज क्यों ना ट्राई करूँ, तो सोचा मैं आपके साथ ये वीडियो भी शेयर कर लूँ। तो मैंने सोचा कि कर लूँ। तो इसके अंदर आपको इस तरीके का एक मिलेगा, और इसमें उनका जो यू कैन बी का इंस्टाग्राम का यहाँ पे मिल जाएगा, इसको स्कैन करके उनको आप अपने इंस्टाग्राम में ऐड कर सकते हो, जो आप देख सकते हो यू कैन बी लिखा गया है, यू कैन बी मेकअप। और ये अंदर मिलेगा आपको, एंड दिस इज द ब्यूटिफुल पैलेट। लुक एट द पैलेट गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल है, एंड बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट हम लोग का जो मतलब ज़्यादा यूजेबल कलर है, वाइट एंड ब्लैक हमको ज़्यादा करना होता है, तो इसलिए वाइट एंड ब्लैक ज़्यादा दिया गया है। मैं आपको अंदर थोड़ा दिखा देती हूँ। सो वाइट एंड ब्लैक कुछ ज़्यादा है, ये बहुत ही अच्छा है, वाइट एंड ब्लैक कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ता है। उसमें ग्रीन है, येलो है, ग्रीन का लाइट एंड डार्क कलर है, एंड दो शिमर शेड्स है, दो ग्लिटर शेड्स है, गोल्डन एंड सिल्वर कलर है, ब्लू है, डार्क ब्लू है, पर्पल है, सब कलर अवेलेबल, जो हमको चाहिए सब कलर अवेलेबल है। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ उसको अपने फेस पे ट्राई करने के लिए। तो चलिए हम इसको अपने फेस पे ट्राई करते हैं कि कैसा फेस पेंटने के लिए कितना अच्छा है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज मैं ट्राई करने वाली हूँ दिस स्कूबी डू वाला फेस आर्ट, और ये मुझे रिक्वेस्ट किया है मेरे फेवरेट पर्सन दिग्दर्शनी राउत, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि ट्राई करूँ। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है इसको ट्राई ऑन करने के लिए, और तो मैं करने वाली हूँ दिस
को भी दी फेस आर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस इट्स रियली हार्ड टू क्रिएट, ये दिखने में बहुत इजी लगता है बट रियली वेरी डिफिकल्ट। तो हमारा आउटलाइन हो गया है, तो चलिए अभी करते हैं फिल, कलर फिल करते हैं। चलिए सो गाइस दीज आर नॉट वाटर कलर, दीज आर यू नो ऑयल बेस्ड कलर। इसमें आप देख सकते हो, मैंने भी दिखा दूँ पिगमेंटेशन लाइक दिस, दीज आर ऑयल कलर। इसमें आप वाटर मिक्स नहीं कर सकते हो। सो लेट्स आउटलाइन द स्कूबी डू। आउटलाइन होने के बाद हम लोग ब्लैक शेड लेंगे एंड मुझे पसंद आने लगा है बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। एंड अभी हम लोग सारा ब्लैक कलर करेंगे। वाह आई लव द पिगमेंटेशन। आई जस्ट लव दिस पैलेट। बहुत ही अच्छा डिटेलिंग के साथ आपका जो फेस पेंटिंग हो जाता है। तो चलिए रेस्ट ऑफ द कलर्स फिल करते हैं। तो गाइस बताइए मेरा स्कूबी डू कैसा लग रहा है आपको, एंड दिग्दर्शिनी आप भी बताइए कि आपको ये कैसा लगा। सो या मैंने इसको ऑफ कैमरा किया क्योंकि ये फेस आर्ट वीडियो नहीं है, मैंने रिव्यू करने का वीडियो बनाया है इसीलिए मैंने नहीं दिखाया इतना अच्छे से। आराम से मैंने बैठ के ऑफ कैमरा किया। तो या मुझे बहुत अच्छा लगा इसका रिजल्ट कैसे टर्न आउट हुआ है। आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। तो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट। तो गाइस आई जस्ट लव द प्रोडक्ट, लुक एट द कलर्स। यहाँ पे आपको सारे कलर्स मिल जाते हैं, ब्लैक एंड वाइट कुछ ज़्यादा अमाउंट में है तो ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये दोनों बेसिक कलर्स होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। आप अपना जो डिटेलिंग काम कर सकते हो, दोनों को मिक्स, कुछ भी कलर को मिक्स करके आप अपना ओन कलर बना सकते हो। एंड ये बहुत ही अच्छा काम करेगा विथ स्पंज क्योंकि ये बहुत ही यू नो ये ऑयल बेस्ड है, लिक्विड मतलब आप वाटर के साथ मिक्स नहीं कर सकते हो, ये एक्वा कलर नहीं है, ये ऑयल बेस्ड कलर है। तो आराम से आप स्पंज पे लेके अपने फेस पे टैप टैप करके पूरा फुल फेस को कलर कर सकते हो। अपना मन चाहा आप कोई भी फेस आर्ट कर सकते हो। तो मैंने स्पंज अभी ट्राई नहीं किया है, बहुत जल्दी करूँगी। द प्रॉब्लम इज गाइस ये सूखता नहीं है, ऑब्वियसली ये ऑयल बेस्ड है तो सूखेगा नहीं, अगर एक्वा कलर होता तो ये सूख जाता। तो ये स्पंज के साथ अगर आप काम करते हो तो बहुत ही अच्छा पैलेट है। तो ऑल एंड ऑल मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये पैलेट। तो गाइस अब बात करते हैं इसका प्राइस। तो इसका प्राइस है गाइस 1700 रुपीज़ प्लस आपको 150 शिपिंग चार्जेस देना पड़ता है। आप अगर इसको अपना बनाना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मेकअप एंड गर्ल्स स्टोर का, आप उनके पेज में विजिट करके इसको अपना बना सकते हो। एंड उनके पेज में बहुत सारे अच्छे शाइड शैडोज भी आप ट्राई कर सकते हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन मेकअप एंड गर्ल्स स्टोर, बहुत ही अच्छा मुझे पैलेट लगा। तो आप भी ज़रूर परचेस करिएगा गाइस, अगर आपको फेस आर्ट बहुत अच्छा लगता है तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ही अच्छा है, सारे कलर्स आपको मिल जाते हैं। तो या सो दिस इज़ इट माई टूडेज वीडियो एंड दिस इज़ माई रिव्यू अबाउट दिस ब्यूटीफुल पैलेट। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरा फेस आर्ट कैसा है मुझे वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एंड आई विल बी बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। टिल देन स्टे गॉर्जियस एंड आई लव यू गाइस सो मच। बाय।